कटहल की खीर। तो पहले हमने दूध को उबाल लिया, इसके साथ हमने एक कप यानी कि 250 ग्राम चावल हमने धो करके इसमें डाल दिया और इसको मिलाते रहेंगे। और इसके बाद इसमें हम ऐड किए चीनी। तो इस तरह से दूध में चावल और चीनी को हमने मिला दिया। मिलाते हुए चलाते रहेंगे क्योंकि चावल नीचे पतीला में पकड़ न ले। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर पर हम चलाते रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को देखते रहिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अब हम देख रहे हैं जो चावल थोड़ा पक चुका है, थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा खीर। तो इस तरह से हमने चावल को पकने का इंतज़ार किया और इधर हमने ले लिया खीर में डालने के लिए बादाम, काजू और किशमिश। इसको हम फल में डाल करके बादाम और काजू को भूख लिए और इसके बाद इसको हमने खीर में डाल दिया क्योंकि चावल हमारा पक चुका था। तो इस तरह से खीर बनकर हमारा तैयार हो चुका है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके, तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। बाय बाय।